जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के परीक्षा वो कब से शुरू हो सकती है। खबर को विस्तार से बताया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हो तो वीडियो को नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने स्थगित कर दिया गया। देश में फैले कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि पीवी के शेड्यूल के अनुसार ये परीक्षा 25 अप्रैल शुरू होना थी। जी आपको बता दें इस परीक्षा के लिए करीब 6.5 लाख आवेदन पीवी को प्राप्त हुए हैं। इसमें 15% आवेदन है वो अन्य राज्यों से हैं। कोरोना वायरस ने निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और कई प्रदेशों में भर्ती परीक्षा पर भी रोक यहां पर लगा दी गई है। पीवी के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस की स्थिति स्पष्ट होते ही परीक्षा की नई तारीखें वो घोषित की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पीवी के अन्य प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षा पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पीवी को प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, प्री वेटनरी एंड फिशरी इंटरेस्टेड डिप्लोमा एंड एनिमल हस्बेंड्री इंटरेस्टेड मई में यहां पे कराना है। इसको लेकर अब तक तारीख यहां पे तय नहीं हो पाई है। इसके अलावा पीवी के 5 भर्ती परीक्षा कराने की संभावित तारीख भी जारी की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सभी परीक्षा अब नहीं होने वाली है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रदेश के लिए PET फिलहाल यहां पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। ऐसे में इस बार भी इंजीनियरिंग कॉलेज में GE 32 के आधार पर प्रवेश होगा। आपको बता दें हालांकि तकनीकी शिक्षा विभाग पिछले वर्ष की तरह यहां पर CLC राउंड में 12वीं पास विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश का मौका देगा। जी आपको बता दें पीवी को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन समय कम होने के कारण पीवी ने एग्जाम कराने से इंकार करते हुए अगले वर्ष परीक्षा कराने पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन देश में कोरोना वायरस के कारण बनी लॉकडाउन की स्थिति के चलते इसकी तैयारी यहां पर नहीं हो सकी है। तो पीवी के अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद में उनकी पहली प्राथमिकता पूर्व निर्धारित परीक्षा को संचालन यहां पर की होगी। दोस्तों आपको बता दें वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा वो जल्द होने वाली है। पीवी के अधिकारी के मुताबिक यहां पर कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद में उनकी पहली प्राथमिकता पूर्व जो निर्धारित परीक्षा का संचालन की होगी, यानी कि वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा पहले होने वाली है, प्रवेश परीक्षा और लेट हो सकती है, इसके बाद में अन्य प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। दोस्तों जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखें। पीवी की तरफ से नई परीक्षा तिथि वो जल्द जारी कर दी जाएगी। लॉकडाउन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद में उनकी जो पहली प्राथमिकता पूर्व जो निर्धारित परीक्षा का संचालन की होगी, यानी कि वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा पहले होने वाली है, आप तैयारी जारी रखें। जैसे यहां पर कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकलेगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।